हेलो दोस्तों, माय नेम इज मुकेश यादव। एएसपी के चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। हमने कल डिस्कस किया था, जो थर्ड पार्ट था हमने एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का, और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का फोर्थ पार्ट, जो है कंपोनेंट ऑफ ट्रैक्टर इंजन एंड देयर फंक्शंस। ठीक है, तो ट्रैक्टर के इंजन के कौन से कंपोनेंट हमने कल डिस्कस किए थे, ठीक है, उनके वर्किंग के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। कैसे वो फंक्शन करते हैं, उसके फंक्शनरीज करने का सिस्टम है, और जो पावर जनरेट करने का सिस्टम है उसको क्या कहा जाता है। ठीक है, तो हाँ, हेलो हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। ठीक है, आप कंटिन्यू मैसेज करते रहिए, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है जो भी, तो कम्युनिकेशन बना रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं कौन कौन से फंक्शंस हैं और कैसे वर्क करते हैं। जैसे पावर जनरेशन हो गया, पावर जनरेशन के बाद में वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है और कहाँ तक पहुँचता है, उसमें क्या क्या कमियाँ आती हैं, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि जो भी आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। क्योंकि अगर पेपर मॉडरेट टू, ये कह सकते हैं डिफ़िकल्ट अगर पेपर फ्रेम किया जाता है, तो आज वाला पार्ट है इंजन का, उसमें से ही बिल्कुल उसी में से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्योंकि पहले वाला तो हर किसी को याद है, हर बुक्स में दिया हुआ रहता है। अब जो वर्किंग, कैसे वर्किंग करते हैं, कौन सा पार्ट को क्या वर्किंग बेसिस पे क्या कहा जाता है, कैसे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, फिर जनरेट होती है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसका, ठीक है, टायर तक कैसे पहुँचती है, PTO हो गया, हम उससे कल्टिवेट करते हैं तो उसको कंडीशन में क्या कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए आज बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। अगर फर्स्ट हम बात करते हैं, हमने इंजन को डिस्कस कर रहे थे फर्स्ट लेक्चर में, हमने हिस्ट्री पढ़ी थी। सेकंड को फिर से हम अगर रिवाइज करना चाहें तो हमने स्ट्रोक बेसिस पे इंजन को डिस्कस किया था, डिफरेंस बिटवीन टू स्ट्रोक और फोर स्ट्रोक इंजन। ठीक है, सेकंड अगर हम क्लास की बात करें तो वहाँ पे डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन की बात की थी। यहाँ वर्बली एक छोटी सी बात कर लेते हैं, आपने देखा होगा एक गैसोलीन वाला इंजन आता है जो गैस से चलता था, पहले ट्रेनें भी गैस से चलती थी। ठीक है, जो ट्रेनें भी जो चलती थी वो गैस से चलती थी। इवन पहले गाड़ियाँ भी चलती थी, वो भी जो पानी का जो कहते हैं ना, उससे भाप निकलता है, उस भाप से चलती थी। तो बिल्कुल आज उसको भी समझेंगे, और कंप्लीट ये कह सकते हैं कंप्लीट जो इंजन का सिनेरियो है, कंप्लीट स्ट्रक्चर है, वो क्लियर विजन बन जाएगा। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं। अगर हम बात करें टाइप ऑफ इंजन ऑन द बेसिस ऑफ हीट, आज अगर थर्ड की बात करते हैं, यहाँ ये टाइप नहीं है, ये टाइप है लेकिन इसको डीपली डिस्कस नहीं करना है, जो डिस्कस करना था हमने कर लिया और कर चुके हैं। अब यहाँ बात करते हैं,
अभी आ रही आवाज़, अभी देखिए आंधी वगैरह चल रही है तो हो सकता है कहीं पे भी टेक्निकल इश्यू, नेटवर्क इश्यू आ जाता है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं इसकी, आज पॉइंट की बात करते हैं। अभी आवाज़ आ रही है, क्लियर आ रही है? यस यस बोलिए, अगर आवाज़ आ रही है तो कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, आवाज़ आ रही तो फिर मैं नेक्स्ट अपन डिस्कस करें। बोलिएगा बोलिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम हिट के जनरेशन के अकॉर्डिंग। तो हमने डिस्कस किया पहले जो हिट यूज़ किया करते थे वो भाप के थ्रू हिट किया करते थे, जिसमें कोयले वाले इंजन आपने देखे होंगे ट्रेनों में जो इंजन चलते थे, ठीक है ना, तो वो इंजन यूज़ किया करते थे कोयले के थ्रू। आज अगर हम ही अभी जो बात कर रहे हैं वो फ्यूल के थ्रू हीट जनरेट की जाती है, वो कहाँ, पिस्टन के अंदर हीट जनरेट होती है। पिस्टन के अंदर डायरेक्ट ऑयल फ्यूल जाता है, डीजल जाएगा या पेट्रोल जाएगा, उसके साथ में हो सकता है गैस मिक्सर हो सकती है, पहले उसमें गैस जाएगा जो कल हमने डिस्कस किया है, और वहीं पे हीट पैदा होगी। पहले वाले जो इंजन थे उसमें क्या होता था, हीट बाहर कहीं पैदा करते थे, पाइप के थ्रू पिस्टन के पास में हीट को पहुंचाया जाता था, उस गर्मी की वजह से, प्रेशर की वजह से पिस्टन पीछे मूव करता था। तो आज उसको भी डिस्कस करेंगे बिल्कुल। देखिए हीट के अकॉर्डिंग टू टाइप के इंजन होते हैं, एक्सटर्नल कंबर्शन, कंबर्शन का मतलब होता है बाहर जलना किसी चीज़ का, हीट पैदा करना, कंबर्शन का मतलब होता है जलना, कोई चीज़ जलती है, ठीक है, प्रेशर बनता है जलने की वजह से, जो प्रेशर बनता है। एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहर, ठीक है, इसका अगर हम बात करते हैं इंटरनल का मतलब होता है अंदर, ठीक है, इंटरनल का मतलब अंदर प्रेशर, ठीक है, कहीं पे मुझसे हो सकता है कुछ वर्ड हिंदी में थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है तो प्लीज, ठीक है, बाकी इंग्लिश में मैं समझा ही रहा हूँ। हाँ, आप कमेंट करते रहिए, कंटिन्यू, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे हीटिंग, देखिए हीट स्ट्रीम जो होती है, यहाँ पहले क्या होती थी स्ट्रीम, स्ट्रीम किसको कहते हैं, भाप से जो हीट पैदा होती है उसको हीट स्ट्रीम कहते हैं। मैंने पर्टिकुलर एवरी जो वेयर अगर बात करें हर जगह पे पॉइंट मैंने नोट डाउन किया है, एग्जाम में किसी भी तरीके से पूछ सकता है तो आप बिल्कुल आंसर दे सकते हैं, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेपर फ्रेम करने वाला जहाँ तक सोच सकता है, जहाँ तक बना सकता है, उसी तरीके से मैंने फ्रेम किया है यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं हीट और स्ट्रीम की। इसमें हीट पैदा होती थी पहले भाप के थ्रू, कोयले से पानी को उबाला जाता था और वो पानी उबल कर जो उससे भाप बनती थी, हीट बनती थी, जिसको पावर के वो पिस्टन के पास जाती थी और पिस्टन मूव करता था। अब यहाँ बात करते हैं पहले इसकी बात की, जनरेट आउटसाइड मतलब बाहर की तरफ, कि किसके, पिस्टन के, सिलेंडर के, इंजन के बाहर की तरफ यहाँ हीट पैदा की जाती थी। और इन बॉयलर में एक पहले बॉयलर होता था, बॉक्स होता था बाहर की तरफ, एक जिसको कहते हैं ड्रम होता था, उसके नीचे कोयले जलाए जाते थे, जैसे आपने ट्रेन देखा होगा वीडियो वगैरह में, पीछे से उसमें कोयले फेंकते रहते हैं, उसके जहाँ कोयले जलते हैं उसके ऊपर क्या होता है, बड़ा सा ड्रम होता है, उस ड्रम में पानी भरा होता है, जैसे वो पानी उबलता रहता है उसकी भाप जाती है सीधा पिस्टन के पास में, वहाँ पिस्टन के पास भाप जाने से वो पिस्टन मूव करता है। स्ट्रीम, हाँ बिल्कुल शिवानी, हाँ स्ट्रीम का मतलब जैसे भाप हो गया, भाप को ही हम स्ट्रीम कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ बॉयलर होता था, उसमें क्या किया जाता था, जलता था कोयले के द्वारा और वो भाप की वजह से चलता था इंजन। यहाँ बात करते हैं इंटरनल हीट जनरेशन होती है इनसाइड द सिलेंडर, सिलेंडर हमने कल डिस्कस किया है, तो सिलेंडर के अंदर की तरफ क्या होता है, हीट जनरेट होती है, फ्यूल जलता है, ब्लास्ट होता है, उससे हीट जनरेट होती है और क्या करता है, पिस्टन मूव करता है। चलिए इसको पिक्चर के थ्रू समझते हैं कहाँ क्या प्रोसेस होती है, ठीक, बिल्कुल इस तरह हम समझेंगे कि हमेशा के लिए याद रहे। ये एक ऐसा पार्ट होता है इंजीनियरिंग की, अगर बात करें बीएससी वालों के लिए तो रामबाण है, 10% तो कम से कम 5-7, 4-5, 5-6, 5-6 या 4-5 क्वेश्चन तो उसमें देखने को मिलते हैं अगर 100 क्वेश्चन आते हैं। लखीमपुर खेरी सर जी, ठीक है, बात करते हैं, यहाँ आप देख रहे होंगे, दिख रहा है बिल्कुल, यहाँ देख रहे हैं ऊपर एक ड्रम है, स्ट्रीम, यहाँ भाप बन रही है, इस पर लिखा हुआ है स्ट्रीम, क्लियर दिख रहा है, अगर दिख रहा है तो यस बोलिए, दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ठीक है, यह दिख रहा है कि यहाँ पे वाटर भरा हुआ है, ये क्या है, वाटर फिल किया हुआ है, इसमें वाटर है, बिल्कुल दिख रहा होगा, वाटर लिखा हुआ भी है, वाटर यहाँ पे क्या, कोयले जल रहे हैं। कंबर्शन का मतलब होता है जलना या दबाव, जिसको कहते हैं जलने की या जलना, जैसे कंबर्शन यहाँ भी वो हो रहा है जो जलने की वजह से भाप आग निकल रही है, ये क्या हो रहा है, यहाँ पे कोयले डाले जा रहे हैं, यहाँ पे जो पानी गर्म हो रहा है, गर्म होने की वजह से भाप क्या जा रही है, स्ट्रीम क्या जा रही है, आपको दिखाई दे रहा होगा,
स्टीम जारी होगी। ये क्या है, पिस्टन हो गया, ये पार्ट क्या हो गया, पिस्टन, अपने आप पिस्टन पे क्या गया प्रेशर, ये पिस्टन पीछे की तरफ गया, तो ये इसको क्या बोलते हैं, क्रैंक सॉपट, यहाँ नेम भी डिनोट किया हुआ है, इसको क्या बोला जाता है, इसको क्रैंक सॉपट बोला जाता है, ठीक है। क्रैंक सॉपट, इस पिस्टन से क्रैंक सॉपट कनेक्टेड होती है, वो पीछे धकती है। तो आपने इसी टाइप की ट्रेन उसमें देखते होंगे, वीडियोज़ में आप बहुत देखते होंगे, अभी भी इंडिया में टूरिस्ट प्लेसेस पे ये भी चलता है। JNK की अगर हम बात करें या नॉर्थ ईस्ट की बात करें, हिमाचल की अगर कोई घूमने जा रहा है तो वहाँ पे भी नमस्ते नमस्ते पीयूष, नमस्ते नमस्ते बेटा, ठीक है। तो ये देख सकते हैं ये कौन सा वाला है, जो एक्सटर्नल कंबर्सन बोल सकते हैं, बाहर की तरफ जो पावर जनरेट करता है, ये वाला जो पहले इंजन, अभी इसको यूटिलाइज नहीं करते, ना तो हमारे पास में इनफ कोयले हैं, दूसरी बात करते हैं ना अपने पास में इनफ वाटर है हर जगह पे, तो इससे पावर भी कम जनरेट होती थी। अब हम बात कर रहे हैं इंटरनल इंजन की, जो हमने कल डिस्कस किया है, इसको बोलते हैं ईसी इंजन। पूछा जाता है आपसे ईसी इंजन, पूछा जाता है इंजन, अगर क्वेश्चन बनता है ईसी इंजन और आईसी इंजन, आईसी इंजन ये बहुत पूछा जाता है, क्वेश्चन आते हैं तो आईसी इंजन क्या होता है, ईसी इंजन क्या होता है, डिफरेंस पूछ लिया जाएगा। ईसी इंजन में क्या होता है, जलना जो जलती है या प्रेशर जो बनता है या वहाँ पे पावर जनरेट होती है, वो कहाँ होती है, बाहर की तरफ होती है, इंजन से बाहर, सिलेंडर से बाहर, दोनों टर्म याद कर कीजिएगा, इंजन से बाहर और सिलेंडर से बाहर, या तो किसी ड्रम में पावर जनरेट करवाई जाती है नीचे आग लगाकर। यहाँ क्या होता है, इंटरनल कंबर्शन होता है, अंदर जलती है, ब्लास्ट जो लगता है किसमें, पिस्टन में, ये वाला पार्ट क्या है, पिस्टन, ये देखिए ऊपर टंकी आपको दिखाई दे रही है, इसी में फ्यूल टंक लगा हुआ है, यहाँ से एक पाइप के थ्रू फ्यूल आ रहा है, एक इंटरनल वॉल हो गया, एक एक्सटर्नल हो गया, पावर इफिशियंसी किसकी ज्यादा है, हाँ बिल्कुल अभी डिस्कस करेंगे उसको, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे, पहले इसको समझिए, यहाँ क्या होगा, इंटरनल वो क्या हो गया, फ्यूल आ रहा है, फ्यूल आने से यहाँ यहीं पे पावर जनरेट हो रही है, यहीं जल रहा है, इसके थ्रू पावर वो मूवमेंट कर रहा है। यहाँ बात कर रहा है इफिशियंसी की, देखिए बात करते हैं दोनों में इफिशियंसी किसकी ज़्यादा होगी, थर्मल पावर इफिशियंसी की बात करें तो डीजल की ज़्यादा होगी और पेट्रोल की कम होगी। डीजल की बात करें तो कितनी होगी डीजल की, 32, ठीक है, वो अभी डिस्कस करेंगे, 25 और 30 किसकी होती है, पेट्रोल की होती है। अभी मैंने वो जो आप पूछना चाह रहे हो आपके माइंड में है सब मैं रखता हूँ यहाँ पे, टेंशन ना लो, जो एग्ज़ाम में आया हुआ है आ सकता है, सब रखते हैं, ठीक है पीयूष। हाँ अब बात करते हैं, ये आपको समझ में आया होगा, समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए जल्दी जल्दी, या समझ में आया, ठीक है कमेंट करते रहिए, जिससे मैं भी कंटिन्यू, मेरे को भी समझ में आएगी कि हाँ आपको समझ में आ रहा है। यहाँ बात करते हैं वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ इंटरनल कंबर्शन इंजन, वर्किंग मैकेनिज्म क्या होती है, कैसे वर्क करते हैं, तो चलिए आज उसको डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ बात करते हैं हम बोर की, देखिए कल हमने बात की थी बोर क्या होता है, सिलेंडर क्या होता है, इसके अलावा स्ट्रोक क्या होता है, पिस्टन क्या होता है, ये हमने बिल्कुल डिस्कस किया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, बोर का मतलब होता है सिलेंडर का जो डायमीटर होता है, डायमीटर का मतलब समझते हो, ये वाला, ये आप भी समझते हो, बोर जैसे होता है ना राउंड शेप में जिसको बोलते हैं, ये क्या हो गया, सिलेंडर हो गया, एक मिनट, ये क्या होता है, सिलेंडर होता है, इस टाइप का ही होता है सिलेंडर, ठीक है। यहाँ पिस्टन कनेक्टेड होता है, ये पिस्टन कनेक्टेड होता है, तो इसका जो डायमीटर होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होती है, ये जो बीच की दूरी होती है, इसको बोला जाता है बोर बोला जाता है, ये दूरी को क्या बोला जाता है, द डायमीटर ऑफ द इंजन सिलेंडर, इंजन सिलेंडर के डायमीटर को क्या बोला जाता है, बोर बोला जाता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होती है, अंदर की दूरी, बाहर की दूरी नहीं, इंटरनल जो डिस्टेंस होती है जिसमें पिस्टन मूव करता है, इसको ये क्या कहलाता है, पहले तो इसको क्या कहा जाता है, डायमीटर। ये डायमीटर आपने बार 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 पढ़ा होगा, फॉरेस्ट्री में पढ़ा होगा, अगर प्री पीजी में आपने फॉरेस्ट्री पढ़ा है तो उसमें बार बार फॉरेस्ट मैंचुरेशन में पढ़ा होगा, वही है डायमीटर, यहाँ इसको मेजर करते हैं। अब बात करते हैं दूसरा, स्ट्रोक क्या होता है, देखिए स्ट्रोक क्या होता है, लोकोमोशन ऑफ पिस्टन फ्रॉम टॉप हेड सेंटर टू बॉटम हेड सेंटर, ये बात करते हैं इंग्लिश की। अब हिंदी की बात करते हैं, टॉप का मतलब क्या होता है, टॉप वाले ऊपर वाला पार्ट, यानी ये का जो ऊपर वाला पार्ट है उसको बोलते हैं टॉप हेड सेंटर, THC, इस पर भी यही लिखा हुआ है, टॉप डेड सेंटर होगा ये, हेड यहाँ पे डेड सेंटर बोला जाता है उसको, हेड भी, हेड का मतलब टॉप ऊपर का पार्ट, ठीक है, टॉप हेड सेंटर, ये किसका वाला ऊपर वाला पार्ट हो गया। ये पिस्टन एक बार नीचे भी आता है तो यहाँ तक तो कम से कम नीचे आता ही है,
ठीक है। तो जो जिस पार्ट पे नीचे आता है उसको बोलते हैं बॉटम, जो नीचे का पार्ट होता है इसको बोलते हैं बॉटम डेड सेंटर, इसको क्या बोला जाता है, बॉटम डेड सेंटर। समझ में आया, किसको बोला जाता है, लोकोमोशन। लोकोमोशन का क्या होता है, देखिए मोशन का मतलब क्या होता है, ऊपर नीचे जो भी मूवमेंट करता है, चाहे इधर आगे से पीछे करे या ऊपर से नीचे करे, दाएं बाएं करे, जैसे भी करे। हेलो हेलो जानवी, हाँ ठीक है। तो अब लोकोमोशन का मतलब होता है मूवमेंट करना, चाहे वो किसी भी तरफ करे। अब पिस्टन मूवमेंट किस तरह करता है, या तो ऊपर से नीचे करेगा। किसी इंजन में पिस्टन मूवमेंट कैसे करेगा, आगे से पीछे करता है। जैसे हम बाइक की बात करते हैं, उसमें टायर के पीछे, आगे वाले टायर के पीछे छोटा सा एक इंजन जो लगा होता है, जिसमें आप देखते होंगे पत्तियाँ सी पत्तियाँ होती हैं, उसमें पिस्टन चलता है। पिस्टन किस तरह काम करता है, वो आगे से पीछे की तरफ काम करता है। अगर बाकी कुछ किसी इंजन की बात करें तो ऊपर नीचे चलता है, किसी में नीचे की तरफ भी होता है मूवमेंट। तो डिफरेंट जो मैन्युफैक्चर होते हैं इंजन, उनके बेसिस पे हो सकता है। तो लोकोमोशन का मतलब होता है मूवमेंट करना, ऊपर नीचे आगे पीछे व्हाटएवर, जैसे भी। पिस्टन का जो मूवमेंट होता है, तो यहाँ पे मूवमेंट क्या है, ऊपर से नीचे, या ये कह सकते हैं जो टॉप हेड होता है और बॉटम हेड होता है उनके बीच में पिस्टन मूवमेंट करता है, उसको क्या बोला जाता है, स्ट्रोक बोला जाता है। और हमने कल परसों भी डिस्कस किया था, पिस्टन के मूवमेंट को स्ट्रोक कहा जाता है। एक पावर स्ट्रोक होता है, पावर स्ट्रोक का मतलब होता है पावर अंदर जनरेट होती है। इस बीच में जो ऊपर से नीचे मूवमेंट करता है, जिस टाइम पे पावर जो जनरेट होती है उसको बोले जाता है पावर स्ट्रोक, ठीक है। हम बात करते हैं थर्ड की, थर्ड में स्ट्रोक रोटेशन रेशियो क्या होता है। देखिए स्ट्रोक हमने समझा, स्ट्रोक क्या होता है, वो एक बोर भी समझा। बोर का मतलब होता है यहां से यहां तक की दूरी, समझ में आ रहा है, यहां से यहां तक की दूरी क्या कहला जाता है, इसको कहा जाता है बोर, ठीक है। स्ट्रोक किसको कहा जाता है, यहां से लेकर या इस वाले पार्ट से लेकर इस वाले पार्ट तक की दूरी को क्या कहा जाता है, इस दूरी को क्या कहा जाएगा, स्ट्रोक कहा जाएगा, ठीक है। इन दोनों दूरी को जो रेशियो होता है, किस रेशियो में ये इंजन की जो मेंटेन करते हैं, इसकी चौड़ाई और इसकी जो लंबाई होती है अंदर, बोर की जो चौड़ाई और लंबाई होती है वो क्या होती है, बिल्कुल ये मेंटेन करनी पड़ती है। ये डिफरेंट इंजन में डिफरेंट तरीके से मेंटेन करते हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं कितना होना चाहिए, इट वेरीज, ये डिपेंड करती है, डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, 0.1.1 रेशियो भी हो सकता है, मतलब इसकी चौड़ाई और लंबाई बराबर भी हो सकती है। इसका मतलब हो गया 1:1 रेशियो, 1:1 रेशियो में होता है, ठीक है। अब बातें मत कीजिए, जो इधर ध्यान दीजिए, बातों में बाद में ध्यान दीजिए, पता नहीं है यूवी, ठीक है। तो चलिए इसको मैं मिटा देता हूं एक बार। यहां पॉइंट आपको दिखाई दे रहा होगा, या तो इसकी साइज क्या रखी जाती है 1:1, या तो लंबाई और चौड़ाई क्या रख सकते हैं, 1:1 भी रख सकते हैं। जैसे अगर लंबाई उसकी 5 सेंटीमीटर है या 10 सेंटीमीटर है, तो चौड़ाई भी 10 सेंटीमीटर रखेंगे, या उसको डिफरेंट रख सकते हैं। तो डिफरेंट कहाँ तक रख सकते हैं उसकी हम बात करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है स्ट्रोक का, ये क्योंकि डीपली अगर क्वेश्चन फ्रेम होता है तो ये वाला पार्ट से पूछा जाता है। 1:1 से, या तो 1:1 हो सकती है, या 1:1.45 के बीच में कुछ भी हो सकता है। 1 पॉइंट ये हो सकता है, 1:20 भी हो सकता है, मतलब 1:45 से ज़्यादा नहीं होती। एक की अगर चौड़ाई क्या होगी, इसका अगर बात करते हैं स्ट्रोक, स्ट्रोक की मतलब लंबाई अगर एक है तो उसकी चौड़ाई कितनी होगी, 1:20 भी हो सकती है, जिसको पॉइंट के बाद में हम 2:0 बोलते हैं। 1:45 भी हो सकती है, ठीक है, 1:1 भी हो सकती है, तो कितना भी रख सकते हैं। तो फिर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट, ट्रैक्टर में कितनी रखते हैं, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इन ट्रैक्टर इट इज़ अबाउट 1:1:1.25, एक और रेशियो में 1:25 रखा जाता है, इसको ये कह सकते हैं 1:25 के रेशियो में रखा जाता है। समझ में आ रहा है, प्लीज इसके बारे में बताइए, बोर और स्ट्रोक समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है मुकेश। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, फायरिंग इंटरवल क्या होती है, फायरिंग इंटरवल क्या होती है। देखिए फायरिंग का मतलब तो आपको पता है जलना, इंटरवल का मतलब क्या हो गया, वहाँ पे कितने स्ट्रोक इंजन होते हैं, अगर उसमें 4 स्ट्रोक भी हो सकते हैं, 6 स्ट्रोक भी हो सकते हैं, कल हमने बात किया था, क्योंकि उसमें सिलेंडर 6 वाले सिलेंडर भी हो सकते हैं, 10 वाले सिलेंडर भी हो सकता है। तो जितना पावर ज़्यादा चाहिए हमें, उतने उसमें सिलेंडर ज़्यादा हो सकते हैं, सिलेंडर ज़्यादा होंगे तो पिस्टन भी ज़्यादा होंगे। तो यहाँ बात करते हैं जितना जो सिलेंडर होते हैं उनमें एक साथ में तो आग लगती नहीं है, जो ब्लास्ट होता है पावर जनरेट होती है वो एक साथ में बिल्कुल कभी भी नहीं होती है। एक जो पिस्टन ऊपर जाकर पावर जनरेट कर दिया, उसके कुछ ही सेकंड में दूसरा वाला जाता है, वो थोड़ा नीचे आ गया, तो इस तरह एक मूवमेंट रहता है, चारों में एक बैलेंस रहता है पर्टिकुलर। एक पावर जनरेट करके थोड़ा सा नीचे आता है,
या एक का जो जिसको कह सकते हैं एक्सटर्नल वॉल खुला रहता है, एक का इंटरनल खुला रहता है, पांच या सात रहते हैं तो एक लाइन में रहते हैं। अगर ज़्यादा है तो फिर दो एक साथ में पिस्टन पावर जनरेट कर रहे हैं, दो एक साथ बाद में करते हैं, दो पहले करते हैं, तो एक मूवमेंट होता है। तो जो इनके बीच में इंटरवेल रहता है, जो पीरियड रहता है बीच में, उसको क्या कहते हैं, फायर इंटरवेल कहते हैं। दो इंजन के बीच, जो सिलेंडर के बीच में या दो पिस्टन के बीच में, दो पावर स्ट्रोक के बीच में जो ड्यूरेशन रहता है, मान लीजिए ड्यूरेशन का मतलब ये एक ये पिस्टन है, एक ये पिस्टन है, एक ये पिस्टन है, ये कितने वाला हो गया, ये चार वाला मान लेते हैं हम, किसको मानते हैं, फोर वाले। अब इसमें पिस्टन यहाँ है, ऊपर चढ़ा हुआ है, एक का पिस्टन यहाँ नीचे ही रहेगा, ठीक है, एक का पिस्टन बीच में रहेगा, या एक का पिस्टन कह सकते हैं इससे भी ज़्यादा टॉप पे रहेगा। तो इनकी डिस्टेंस अलग अलग होती है। ये क्या करके आए, हो सकता है पावर ऊपर चढ़ाकर, पावर ब्लास्ट हो चुका है, ये नीचे आ रहा होगा, ये नीचे से ऊपर जा रहा है, ये ना तो बीच में अभी ठहरा हुआ है, ये क्या कर रहा है, ऊपर कंप्लीट ऊपर है, इसका मतलब इसमें पूरा प्रेशर लगा चुका है, ये पावर जनरेट करने ही वाला है। तो इनके बीच में जो ड्यूरेशन आता है, जो गैप आता है, उसको क्या बोलते हैं हम, फायरिंग इंटरवेल रेशियो, या फायरिंग इंटरवेल बोला जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हम बात करते हैं, इट इज़ द इंटरवेल बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव, मतलब होता है लगातार, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है कॉन्जिक्यूटिव, दैट मीन्स लगातार, ठीक है। पावर स्ट्रोक, जो लगातार पावर स्ट्रोक करते हैं लगातार, क्योंकि अगर कोई इंजन चलता है तो लगातार ही वो चलता रहता है ना, पावर स्ट्रोक करता है, तो लगातार जो चलना हो इन द डिफरेंट सिलेंडर ऑफ द इंजन, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट जो सिलेंडर होते हैं तो इसमें लगातार पावर जनरेट होती रहती है। एक पावर जनरेट करता है, इसके बाद में थोड़ा सा नीचे आता है जिसमें से धुआं निकलना स्टार्ट होता है, दूसरा जनरेट कर देता है, फिर वो तीसरा ऐसे वर्क करता है, तो एक बैलेंस बना रहता है कंटिन्यूअसली लगातार, जिसको कहते हैं एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ठीक है। तो उस तरीके से इसको क्या कहते हैं, फायरिंग इंटरवेल कहा जाता है। ये चीज़ समझ में आई, समझ में आया तो यस करके, यस कर दीजिए कमेंट सेक्शन में, यस कीजिए जल्दी 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 जल्दी। नहीं समझ में आया तो फिर से डिस्कस करेंगे हम इसको। तो यह इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ कौन कौन सी होगी, इसमें रेशियो हो गया सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कौन सा हो गया, रेशियो, कितना रेशियो रखा जाता है इंजन के स्ट्रोक में और बोर में, मतलब बोर की जो चौड़ाई होती है उसकी लंबाई होती है उसमें कितना रेशियो रहता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये DBC एग्जाम में पूछा जाता है, DBC क्या होता है, DBC क्या होता है, ये सारा एग्जाम में पूछा जाता है। TDC और DBC क्या होता है, TDC और DBC क्या होता है, ये बिल्कुल एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। हम बात करते हैं फायर इंटरवेल की, तो ये आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे आप दिखाई दे रहा होगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। किसी भी एग्जाम की बात करें, BSC में एग्जाम में भी ये बहुत बार आता है। अब इसकी बात कर लेते हैं, ये डिफरेंट है, ये क्या है, पावर जो जनरेट होती है। देखिए सबसे पहले पावर जनरेट होती है वो कहाँ से होती है, पिस्टन के ऊपर से। पहले सबसे पहले ब्लास्ट होगा, पिस्टन के पास में पावर स्टार्ट होगी, पिस्टन के पास में पावर स्टार्ट होगी, कनेक्टिंग रोड के थ्रू कहाँ जाएगी, क्रैंक सॉपर पे जाएगी, जो क्रैंक सॉपर सीधी घूमती रहती है, क्रैंक सॉपर से कहाँ, फ्लाई व्हील पे जाएगी, वहाँ से टायरों पे चली जाएगी, गेयरबॉक्स पे, फिर टायरों पे, टायरों के बाद में पीछे PTO होता है उस पे, या ट्रैक्टर की जो लिफ्ट होती है पीछे, लिफ्ट आपने देखी होंगी जिससे हल उठाया जाता है, ठीक है, उस पे वही पावर होती है। कौन सी वाली होती है, जो पिस्टन वाली पावर ही तो होती है, तो बस उसी को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पिस्टन पे पावर जनरेट होती है उसको क्या कहते हैं, क्रैंक सॉपर पे आ जाती है, तो उसको आने के बाद में जो थोड़ा सा कम हो जाएगी, क्योंकि क्रैंक सॉपर भी तो चलती है तो उसका भी तो थोड़ा सा पावर कम होगी होगी, बेयरिंग चलते हैं उसमें उस या घिसने की वजह से, ठीक, तो वो भी तो पावर कम होगी। उसके बाद में जो PTO पे आएगी तो वहाँ गेयर से भी थोड़ी सी पावर कम हो जाएगी, उसमें टायरों की वजह से पावर कम हो जाएगी। तो किस तरह पावर कम होती जाती है धीरे धीरे, उसको क्या कहते हैं, क्या टर्म देते हैं, वो टर्म पूछे जाते हैं बहुत बार एग्जाम में। जानवी, यस यस, ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है, बढ़िया बात है, मुझे भी अच्छा लग रहा है। ओके ओके, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। ये इतनी लेट क्यों आ रहे हो प्रिंस, प्रिंसपाल। हम ये जो टर्म डिस्कस, इनको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने एक या दो टर्म आपको बुक में देखने को मिल जाएगा, किसी भी बुक को आप उठाएंगे एक या दो टर्म देखने को मिलेगा। यहाँ जितने टर्म इंपॉर्टेंट हैं कंप्लीट मैंने नोट डाउन किया है, कंप्लीट नोट डाउन किया है, जो एग्जाम में पूछे डीपली, अगर पेपर फ्रेम होता है तो हमें किसी बुक से क्वेश्चन ही नहीं मिलते हैं, यहाँ पे बिल्कुल कंप्लीट क्वेश्चन मिलेंगे, क्या इससे रिलेटेड हो सकता है और क्या क्वेश्चन आए हुए हैं और क्या आने के चांसेस हैं। अब हम बात करते हैं,
अब हम बात करते हैं, कोई बात नहीं, कल से टाइम पे आइए तो समझ में भी आएगा। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, टॉपिक है। अगर बात करें सब्जेक्ट की, क्रिकेट खेल रहे थे क्रिकेट ही खेलते रह जाओगे बाद में देखते ये तो फिर भी खेल लिया जाएगा जब सिलेक्शन हो जाएगा ना, उसके बाद में भी खेल सकते हैं। चलिए खेलना चाहिए, कोई बात नहीं, लेकिन एक जो फिक्स टाइम है स्टडी के लिए वो भी तो निकालना चाहिए ना। यहाँ फर्स्ट की अगर हम बात करें, अच्छा लगा कि जो चीज़ कर रहे थे एक्चुअल में बता तो रहे हो, सच तो बोल रहे हो। चलिए आते हैं पॉइंट पे, सबसे इम्पोर्टेंट है। और जो पावर जनरेट होती है कहाँ पे, पिस्टन पे जो पावर जनरेट होती है, अगर हम बात करते हैं सबसे पहले पावर जनरेट होती है वो कितनी होगी, हमें भी पता है कि सबसे पहले जो पावर जनरेट होती है मान लीजिए वो पावर 100% होगी, यही कहते हैं 100% होगी। अब उसके बाद में पावर क्या हो जाएगी, धीरे 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 कम होना स्टार्ट हो जाएगी। बुगालिया जी भी लेट आ रहे हैं, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ये जा रहे हो कि आ रहे हो को समझ में नहीं आ रहा, गुड इवनिंग कर रहे, ठीक है। ये कितना होगा, 100% पावर जनरेट होगी। अब धीरे 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 यहाँ पे 95 हो जाएगी, पीछे जाते जाते जो होता है ना लिफ्ट होती है उनकी, या पीटी होता है जिससे थ्रेसिंग चलाते हैं हम, तो ट्रैक्टर की बात कर रहे हैं। अब ट्रैक्टर के कंपोनेंट है ये, ध्यान रखिए, ये तो सभी इंजन के आते हैं, लेकिन अभी ये जो ट्रैक्टर वाले इंजन है उसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा उसी में से क्वेश्चन आते हैं, उसी को हम पढ़ते हैं। बाकी जो ये वाले पार्ट तो सभी इंजन में होते हैं, ये ड्रॉ बार वगैरह हो सकता है ट्रैक्टर में ही होता है, ये गाड़ी वगैरह में नहीं होता है। अच्छा, जेट का कोर्स लिया है, पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने जेट का कोर्स लिया है बेटा। जेट का आपने कोर्स तो लिया है, लेकिन ये जेट में बहुत कम आने वाला है, जेट में इसमें से एक का आधा क्वेश्चन ही पूछा जाता है, ज़्यादा नहीं पूछा जाता, जो आपको सिलेबस में दे रखा होगा, थ्रेसिंग वगैरह वगैरह जो पार्ट होता है ना, थ्रेसिंग वाला पार्ट होता है, तो इसमें से पार्ट जो मेन मेन होता है आप थ्रेसिंग पढ़ेंगे, बिल्कुल आता है कुछ टॉपिक, एक दो क्वेश्चन देखने को मिलता है वहाँ पर भी। अगर कोई ये बोले कि बिल्कुल भी नहीं आएगा तो ऐसा नहीं है, जेट में आएगा बिल्कुल, सुपरवाइजर में इसका पार्ट इंक्लूड नहीं है। थ्रेसिंग वाला है तो आप लोग देख लीजिए, मुझे जहाँ तक पता नहीं है, थ्रेसिंग वाला या इंजन का कुछ पार्ट हो वहाँ पे, हल वगैरह कौन कौन से होते हैं तो आप देख लीजिए वो वाला पार्ट में। लेकिन डीपली जैसे आप कवर करने की कोशिश करें, ये 1-1.5 महीने चलने वाला है तो इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है फिर आपको। सुपरवाइजर में देख लीजिए, इंजीनियरिंग के कुछ पार्ट हैं तो, और मैं सिलेबस देख के कल बता दूंगा। सुपरवाइजर में बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं आता है, एक आधा क्वेश्चन कोई हो सकता है, अगर आपके सिलेबस में हल वगैरह या जो कल्टीवेटर का कोई पार्ट है, कल्टीवेटर के नाम पूछा जा सकता है तो वो आ सकता है, तो वो तो एक बार में एक ही वीडियो में करवाएंगे, तब बोल देंगे कि सुपरवाइजर का आप देख सकते हैं, वो अभी 2 या 3 दिन बाद में करवाएंगे। अदरवाइज सुपरवाइजर की बात कहें या जेट की बात कहें उनमें नहीं आता। हाँ, ग्रेजुएशन के जो स्टूडेंट है यहाँ पे, बीएससी एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट है, उनके तो कंप्लीट सिलेबस में ये चलता है, तो उनको तो बिल्कुल यहाँ पे पढ़ना चाहिए। इसके अलावा जो ग्रेजुएट होकर जो भी एग्ज़ाम देने जाएंगे, एग्रीकल्चर की जो भी एग्ज़ाम होगी उनमें सब में आएगा, चाहे वो IBPS हो, चाहे PPG हो, या बैंक का कोई और कोई एग्ज़ाम हो, एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्ज़ाम की बात करूँ, जैसे NABARD एग्ज़ाम लेता है, या फिर AO WO की एग्ज़ाम हो, सब में पूछा जाता है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्राइटेरिया भी 500-600 में से, अगर बात करें 100 में से 6-7 क्वेश्चन रहते हैं। चलिए बात करते हैं, पर बिल्कुल जी हाँ, JRF में आएगा ये, बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा। यहाँ पे पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब फिर इसके बाद में क्या हो जाएगी, 90% पावर हो जाएगी, तो इसी को हम डिस्कस करेंगे। इसके लिए पर्टिकुलर क्या टर्म है, कहाँ पे जाके पावर जो जनरेट होती है उसको क्या कहते हैं, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इनमें से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग देखिए। फर्स्ट की अगर बात करते हैं, इंडिकेटेड हॉर्स पावर, इसको क्या कहा जाता है, ये टर्म याद रखना है, यह इंपॉर्टेंट क्या है, IHP, ये बहुत कम दिया जाएगा एग्जाम में, क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है, इंडिकेटेड हॉर्स पावर इंटेंशन आता है, हाँ इंडिकेटेड हॉर्स पावर ये है, यहाँ ये पूछ लिया जाएगा। अगर मॉडरेट फ्रेम करना है एग्जाम को, मेरा सुबनेम मुकेश, मुकेश यादव, जल्दी आया करो, इससे नेम भी पता चले किसका क्या नेम है। यहाँ पे पॉइंट को आपको याद रखना है, नोट डाउन रखना है कि इसको बोलते क्या है। सबसे फर्स्ट जो जनरेट होता है, पावर जनरेट होती है, उसको बोलते हैं इंडिकेटेड हॉर्स पावर, द पावर जनरेटेड इन द सिलेंडर एंड रिसीव बाई पिस्टन, ठीक है।
जो पावर सिलेंडर के अंदर जनरेट होती है, जो ब्लास्ट होते टाइम पे, जो स्टूडेंट यहाँ ये बोल रहा है ना हिंदी में बोलिए, वो जो मैं बोलता हूँ वो नोट डाउन कर सकते हैं आप, जो मैं बोल रहा हूँ वो नोट डाउन कर सकते हैं। क्या बोल रहे हो आप से हैं सर? अच्छा, और कहाँ से हैं? नहीं, मैं यहीं से हूँ, सीकर से रहने वाला हूँ, जयपुर से। मान लीजिए टीचिंग करवा रहा हूँ देहरादून में एज असिस्टेंट प्रोफेसर। चलिए इस पे बात करते हैं, फिर बाद में हम डिस्कस करेंगे अपने बारे में, बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो पावर जनरेट हो रही है किसमें? पिस्टन में। जैसे ही ब्लास्ट होता है वहाँ से पावर जनरेट हो रही है, उसको क्या कहा जाता है? इंटीग्रेटेड हॉर्स पावर, मतलब मेन पावर जनरेट हो रही है पिस्टन के। जो पिस्टन होता है, पिस्टन के ऊपर जो प्रेशर पड़ता है ब्लास्ट होने से, फ्यूल के जो ब्लास्ट होने से जो प्रेशर पड़ता है उसको कहते हैं IHP। याद रखिएगा IHP, दैट मीन्स इंटीग्रेटेड हॉर्स पावर। ये बहुत बार रिपीट होगा अभी, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो सबसे ज़्यादा तो यहाँ क्या होगी, 100% पावर जनरेट हो रही है यहाँ पे। तो अब हम बात करते हैं, हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट की, ये कौन सा फर्स्ट? यहाँ पे हो गया ब्रेक हॉर्स पावर, इसको क्या कहा जाता है? BHP, ब्रेक हॉर्स पावर, ठीक है? ये पावर कौन सा होता है? द पावर डिलीवर्ड बाय द पिस्टन इंजन द्वारा एंड इट इज अवेलेबल एट द एंड ऑफ क्रैंक सॉकेट। इंग्लिश वालों को समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो मैं हूँ, हिंदी वालों के लिए भी मैं तैयार हूँ। अब देखो, पहले इंग्लिश की हम बात करते हैं। जो पावर जनरेट होती है कहाँ पे? पिस्टन में, उसको क्या कहा जाता है? IHP, इंटीग्रेटेड हॉर्स पावर, पिस्टन के पास जनरेट होती है। एक पावर जो पिस्टन से चलकर जो सॉकेट होती है, सॉकेट कौन सी, जिसको पिस्टन को और क्रैंक सॉकेट को जोड़ती है, वहां से लेकर जो क्रैंक सॉकेट का दूसरे पार्ट तक आती है। यहां हम बात कर लेते हैं एक बार, सबसे पहले इसमें डिस्कस करते हैं ये क्या है। ये उसका सिलेंडर है, हम एक ही सिलेंडर यहां पे बनाने जा रहे हैं सिर्फ, जिससे हमें सिर्फ समझ में आ सके। मेरा ड्राइंग बहुत गंदा है, उस पर ना जाना प्लीज। पिस्टन इसी टाइप का होता है, यहां पे वो लगे रहते हैं सब, वो क्रैंक सॉकेट इसी टाइप का होता है, उसमें क्या लगे होते हैं? पिस्टन लगे होते हैं। एक पिस्टन यहाँ लगा हुआ है, एक पिस्टन यहाँ हो सकता है, एक पिस्टन यहाँ हो सकता है, एक पिस्टन यहाँ हो सकता है। अब मान लीजिए ये क्रैंक सॉकेट है, क्रैंक सॉकेट का एंड पार्ट कौन सा है? ये एंड पार्ट मतलब जो पीछे का पार्ट होता है, जिसके पास यहाँ मान क्या होता है, गियर सिस्टम होता है, फ्लाई व्हील लगा होता है। ये क्या है? फ्लाई व्हील। ये क्या है? फ्लाई व्हील। अब इसमें यहाँ से जो पावर जनरेट हो रही है, या यहाँ से जो पावर जनरेट हो रही है वो कहाँ पे जाके, यहाँ जाके जो पावर मिल रही है, इसका मतलब थोड़ा तो कम हो गई पावर यहाँ से जनरेट होने वाली है। इसमें बैरिंग होते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं? बैरिंग होते हैं, जगह जगह पे ये किसी सपोर्ट पे टिकी हुई है, सपोर्ट पे टिकी हुई है, तो उसमें जो बैरिंग होते हैं वो भी थोड़ी पावर तो कंज्यूम करते हैं, थोड़ा सा प्रेशर तो लेते ही हैं, थोड़ा उसको जोर तो आता ही है क्रैंक सॉकेट को घूमने में, ये थोड़ा सा इसको भी प्रेशर लगेगा ऊपर धक्का देने के लिए। तो जो पावर यहाँ पे चली जाती है उसको क्या कहते हैं? अभी बात कर रहे हैं यहाँ पे, यहाँ जो पावर जनरेट हो रही थी उसको तो क्या कहते हैं? IHP, इंटीग्रेटेड हॉर्स पावर। यहाँ पे जो पावर जो जा रही है इस जगह पे, एंड ऑफ सॉकेट, सॉकेट के जो एंड पे पॉइंट पे जो पावर मिल रही है उसको क्या कहते हैं? ब्रेक हॉर्स पावर, BHP, ठीक है? इसको क्या कहा जाता है? BHP, जो एंड ऑफ द सॉकेट, ये क्या कह सकते हैं? एंड ऑफ सॉकेट, ठीक है? जो एंड होता है यहाँ पे पावर मिलती है उसको क्या बोला जाता है? BHP, ब्रेक हॉर्स पावर। अब बात करते हैं इन दोनों के बीच में जो एक पावर भी, और दोनों के बीच में एक पावर भी क्या होती है, कंज्यूम होती है, थोड़ा सा पावर यहाँ पे भी यूटिलाइज होता है, उसको क्या कहते हैं? फ्रिक्शन हॉर्स पावर। इसको क्या कहा जाता है? यहाँ जो बैरिंग वगैरह होते हैं, या पिस्टन को एक को ऊपर दिखाने में, एक पिस्टन नीचे आ रहा है तो दूसरा ऊपर भी जा रहा है, ऊपर जा रहा है तो धुआं बाहर निकलती है, तो थोड़ा प्रेशर तो लगाना पड़ता है उसको, उसको क्या कहा जाता है? FHP,
फ्रिक्शन हॉर्स पावर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रिक्शन हॉर्स पावर। तो यहां सबसे ज्यादा निकली, यहां मान लीजिए कितना हो गया, यहां पावर कितनी मिल रही है, 95%। समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा तो प्लीज कमेंट करके बताइए। यहां 100% पावर जनरेट हो रही है, यहां 95% पावर पहुंची, तो यहां पे इसने कंज्यूम कितना कर लिया, कोई बताएगा यहां कितना कंज्यूम, इतना कितना परसेंट पावर कंज्यूम हो गया, जो कंज्यूम हुआ इसके 100 में से अगर निकालेंगे, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कितना कंज्यूम हुआ, कोई बताएगा कितना परसेंट पावर कंज्यूम हुआ, फ्रिक्शन हॉर्स पावर, बिल्कुल पिंच, ये कितना हो जाएगा 5%। ये आपको समझने के लिए बता रहा हूँ, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि यहाँ 95 आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। इसको कहते हैं IHP, इसको कहते हैं फ्रिक्शन FHP, इसको कहा जाता है BHP, ब्रेक हॉर्स पावर कहा जाता है, ठीक है, चेंज ऑफ कलर, ठीक है ठीक है, इसको चेंज कर लेते हैं, बिल्कुल ये रख लेते हैं। अब ये समझ में आ रहा है 95%, तो मतलब फ्रिक्शन में कितना चला जाएगा 5%, तो ये एवरेज ही रखा जाता है, फ्रिक्शन क्या होता है, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, यहां पे थे हम लोग, हमने क्या डिस्कस किया, ब्रेक हॉर्स पावर, फ्रिक्शन हॉर्स पावर को भी डिस्कस कर लिया। जिसको हिंदी में समझना है, इंग्लिश समझ में नहीं आती, वो अपनी लैंग्वेज में प्लीज नोट डाउन कर लें, ठीक, नहीं समझ में आया तो बोलिएगा मेरे को। ये क्या होता है, फ्रिक्शन हॉर्स पावर FHP, द पावर लॉस्ट स्पेशली, कहाँ लॉस्ट होती है, इन एन इंटरनल कंबसन इंजन थ्रू आउट फ्रिक्शन बिटवीन पार्ट ऑफ मैकेनिज्म या मशीन इटसेल्फ, मशीन दैट मींस, इसका मतलब क्या होता है, फ्रिक्शन का मतलब द पावर लॉस हो जाती है स्पेशली किस जगह पे, इंटरनल जो कंबर्शन, जो दूसरे में जलने के टाइम पे दूसरे पिस्टन मूव कर रहा है या उसमें जो बेयरिंग होते हैं उस टाइम पे जो पावर लॉस हो जाती है, तो उस पावर को क्या कहते हैं, फ्रिक्शन हॉर्स पावर, उस पावर क्या कहते हैं, फ्रिक्शन हॉर्स पावर, ठीक। दूसरी अगर बात करें ड्रॉप और हॉर्स पावर क्या होती है, DHP क्या होता है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। DHP क्या कहा जाता है, देखिए DHP का मतलब द अमाउंट ऑफ इंजन पावर, मतलब जो इंजन की जो पावर होती है। अब यहाँ ये बात किसकी की जा रही है, ट्रैक्टर का जो पीछे का पार्ट आता है ना, पीछे वाला आप लोग देखते हैं जिसमें लिफ्ट होती है, लिफ्ट से उठाया जाता है, या ये कह सकते हैं उसमें ट्रॉली जो लगाई जाती है, तो वहाँ तो पावर और भी कम हो जाएगी, क्यों, क्योंकि टायर भी उस किसी थोड़ी पावर को टायर भी यूज करेंगे, थोड़ी पावर हमने गेयर वगैरह में भी वहाँ पे भी यूटिलाइज हो जाएगी, बेयरिंग होते हैं वहाँ पे भी यूटिलाइज हो जाएगी, तो जो पावर जनरेट होगी पिस्टन में वो पावर नहीं पहुँचने वाली है ट्रैक्टर की कंप्लीट। मान लीजिए ट्रैक्टर के पिस्टन की पावर कितनी हो है 100%, इसको फिर मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे पावर कितनी होगी, हमने डिस्कस किया पावर कितनी पिस्टन से 100%, उसमें से 95% कहाँ पहुँची थी, ब्रेक हॉर्स पावर में, कितनी पहुँची थी 95% पहुँची, फ्रिक्शन हॉर्स पावर में तो 5% चली गई। अब अगर वो ड्रॉ बोर में पहुँचती जहाँ हम ट्रॉली वगैरह कनेक्ट करते हैं, हल वगैरह कनेक्ट करते हैं, या जो लिफ्ट वगैरह किसी चीज़ को उठाते हैं, वहाँ और भी कम पावर पहुँचेगी, ठीक है, तो वहाँ मान लीजिए कितना अराउंड पहुँच जाएगी, या तो 90 मान सकते हैं, या ये कह सकते हैं वहाँ तो 85 ही पहुँचने वाली है, कितनी पावर पहुंचने वाली है 85 अराउंड कह रहे हैं कि कम होती जाएगी, कहने का मतलब ये है, यहाँ ये नहीं कि 100 और ये ना तो एग्जाम में आने वाला, यहाँ 100 है तो यहाँ कितनी हो सकेगी, हाँ ये पूछ सकता है, यहाँ 100 है तो सेकंड नंबर पे यहाँ तो कमी होगी, यहाँ अगर ब्रेक हॉर्स पावर में अगर उससे कम है तो इससे कम किस में हो जाएगी, ड्रॉप और हॉर्स पावर में, ये पावर अगर क्या होगी, तो इसका अगर सिनेरियो की हम बात करते हैं तो किस तरह होगा, पहले इसकी बात करते हैं, ड्रॉप और हॉर्स पावर क्या होता है, द अमाउंट ऑफ इंजन पावर, इंजन की जो पावर का अमाउंट, ठीक है, दैट इज अवेलेबल एट ड्रॉप और फॉर पुलिंग यानी किसी चीज़ को उठाने के लिए, ड्रॉप और का मतलब हो जाए पीछे जो लिफ्ट होती है या जिसमें ट्रॉली वगैरह हम लगाते हैं कनेक्ट करते हैं, वो क्या होता है, ड्रॉप और होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इट इज लेस होती है, ये कम होती है, इट इज लेस देन किसे, BHP ब्रेक हॉर्स पावर से, ड्यू टू किसके कारण, फ्रिक्शन जो घिसाई होती है अंदर या जो बैरिंग वगैरह चलते हैं, इन व्हील
बेयरिंग एंड एक्सेसरीज मतलब जो और उसके पार्ट होते हैं उसके चलने की वजह से पावर उसमें भी कम होती है। चलिए हम इसका और बात कर लेते हैं हिंदी वालों के लिए। हिंदी वालों के लिए क्या, अगर हम बात करें जो पावर ब्रेक होर्स पावर में पावर जनरेट होती है, मतलब उसके जो पिस्ट जो क्रैंक सपोर्ट होती है गियर के आगे तक क्रैंक सपोर्ट होती है, गियर के थोड़ा सा आगे और जो पिस्टन वो होते हैं क्रैंक सपोर्ट होती है, उसके बीच में क्या होता है फ्लाई व्हील, कल हमने डिस्कस किया था। फ्लाई व्हील के जस्ट पीछे क्या होता है गियर बॉक्स होता है, जिसमें स्टेयरिंग के पीछे हम नीचे गियर बॉक्स रहता है, उससे पीछे क्या वो चला जाता है पावर डिवाइड हो जाता है, टायरों में डिवाइड हो जाएगा, हाइड्रोलिक जो पावर होता है उसमें डिवाइड हो जाएगा, जिससे हम लिफ्ट वगैरह उठाते हैं, ट्रॉली वगैरह पीछे से उठाते हैं प्रेशर से, और कह सकते हैं कुछ चीज़ें लिफ्ट से उठाने के लिए पावर कंज्यूम हो जाएगी, उसमें बेयरिंग वगैरह होते हैं टायर में उसमें यूज हो जाएगी, ठीक है। तो वो चीज़ें कहाँ कंज्यूम होगी, अगर जो फाइनल बचता है वो क्या कहलाता है ड्रॉबार पावर कहा जाता है, समझ में आ रहा है। हाँ इट इज़ द पावर टू रिक्वायर्ड, नहीं कह सकते रिक्वायर्ड होती है, इसका मतलब तो जितनी रिक्वायर्ड होती हो नहीं, वहाँ जो अवेलेबल है जो पावर सुबम जो पावर अवेलेबल है हमें जो मिलती है, रिक्वायर्ड तो ज़्यादा भी हो सकती है, ज़्यादा होगी तो इंजन दब जाएगा, ट्रैक्टर वहाँ बंद हो सकता है, लेकिन जो अवेलेबल है भैया ट्रैक्टर की अगर कैपेसिटी 10 HP की है तो वहाँ पे 9 HP पावर ही प्रोवाइड करवा सकता है, बाकी तो रास्ते में ही ख़त्म कर देता है। तो ये नहीं कह सकते रिक्वायर्ड कितनी है वहाँ पे जो अवेलेबल है, गॉट इट। यहाँ बात कर रहे हैं, अब इसको अगर एक और मैंने ये टर्म आप याद रखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, ले लिया सभी ने, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए पावर को फिर से इसको समझते हैं, मैंने कोशिश किया अच्छी तरीके से समझ में आया, कभी भूल ना पाए कभी भी। हम यहाँ बात करते हैं, देखिए ये पावर इंजन पावर है, किस में जनरेट हो रही है, पिस्टन में जनरेट हो रही है। मैं यहाँ पे पेन चेंज कर लेता हूँ, कलर चेंज कर लेता हूँ। ये क्या है पावर जनरेट हो रही है, कहाँ पे, इंजन में, कौन से में, पिस्टन में, और पिस्टन हमें भी पता है कहाँ होते हैं, ट्रैक्टर के यही पिस्टन ही होते हैं, पता है ये पिस्टन होते हैं, ठीक। अवेलेबल पावर, वेरी गुड प्रिंस, जो अवेलेबल पावर होती है कहाँ पे, पीछे, यही कह सकते हैं पिस्टन के एंड में अवेलेबल है उसको क्या कहते हैं ब्रेक होर्स पावर, जो सॉरी पिस्टन के ऊपर जो अवेलेबल होती है पैदा होती है उसको कहते हैं IHP, जो क्रैंक सपोर्ट के एंड में अवेलेबल है उसको क्या कहते हैं BHP, जो उसके लास्ट वाले पार्ट में जो ड्रॉ बॉल पे अवेलेबल है उसको क्या कहेंगे, हाँ हाँ ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है ड्रॉ बॉल होर्स पावर, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा इसको क्या कहा जाता है, ये वाली जो पावर होती है मतलब क्रैंक सपोर्ट यहाँ से यहाँ तक होती है, ये एंड तक ये कहा जाता है, ये क्रैंक सपोर्ट होती है आगे तक होती है, क्रैंक सपोर्ट के आगे वाले पार्ट पे आपने देखा होगा पंखा होता है, पंखड़िया होती है आगे वाले पार्ट में, देखा है तो बिल्कुल बताइए, अगर आगे वाले पार्ट में क्या होती है पंखड़िया होती है आगे वाले पार्ट में, तो वो किसके क्रैंक सपोर्ट के सामने वाले पार्ट में होती है पंखड़िया। अब पीछे वाला पार्ट हो गया, तो पीछे वाले पार्ट में जो पावर पहुंचती है उसको पावर को क्या कहा जाता है ब्रेक पावर या ब्रेक होर्स पावर BHP। अब ये पावर पीछे जाके लिफ्ट वगैरह होती है या जिससे ट्रॉली हम उठाते हैं वहां पहुंचती है उसको क्या कहा जाता है ड्रॉबोर पावर या इसको क्या कहा जाता है DHP, समझ में आ रहा है, या DHP या PTO किसको कहते हैं, PTO भी पार्ट होता है, देखा है ना PTO एक पार्ट होता है, PTO का मतलब होता है पीछे एक जो राउंड घूमने वाला जिसपे हम ज्वाइंट करके थ्रेसिंग आते हैं किसी मशीन को या हम इंजन की मतलब पुली वगैरह लगाकर पानी उससे उठाया जाता है वो PTO होता है उसका, या PTO बॉक्स, उससे पहले वाले को PTO बॉक्स कहते हैं और घूमता है इसको PTO कहा जाता है। चलिए अब बात करते हैं इस इंजन में क्या क्या पार्ट होते, यहाँ पे देख रहे हैं आप ड्रॉबोर पीछे, इसमें से हम ट्रॉली वगैरह यूटिलाइज करते हैं, यहाँ ये PTO होता है, यहाँ कुछ जो ट्रैक्टर होते हैं जिससे ट्रॉली वगैरह उठाई जाती है, प्रेशर से ट्रॉली को उठा लिया जाता है खाली करने के लिए, ऑटोमेटिकली खाली करने के लिए, स्क्रीन शॉट लेना है, हाँ इसका ले सकते हैं बिल्कुल, मैं अभी हर स्लाइड के बाद में आपको टाइम दूंगा स्क्रीन शॉट के लिए, बीच में आप स्क्रीन शॉट मत लीजिए क्योंकि मैं फिर बीच में आऊँगा, किसी बार बार आप लेते रहेंगे, मैं सब में एक दो सेकेंड का टाइम दूंगा, डोंट वेरी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर आप PTO देखते हैं, अगर आपसे हाइड्रोलिक रिमोट पावर पोर्ट पूछा जाता है या हाइड्रोलिक पावर पूछा जाता है तो उसका मतलब क्या होता है, एक गेज होता है, लेफ्ट साइड में भी होता है, किसी के राइट साइड में भी होता है, उससे लिफ्ट उठाई जाती है, वो किससे उठती हैं हाइड्रोलिक से उठती हैं, लिफ्ट उठती हैं, या ये कह सकते हैं
ट्रॉली वगैरह का उठाया जाता है, उसमें से एक पाइप होता है, पीछे ट्रॉली में भी पाइप जा रहा है, नीचे ट्रॉली के नीचे क्या होता है, प्रेशर लगा हुआ रहता है, उससे ट्रॉली उठती है, वो हाइड्रोलिक वर्क पे काम करता है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है किस पे वर्क करता है, हाइड्रोलिक रिमोट के अकॉर्डिंग वो वर्क करता है, उसको क्या कहा जाता है, हाइड्रोलिक पावर कहा जाता है। तो आपको समझ में आ गया, अभी आप इसका पिक्चर ले सकते हैं। मैं फिर से इनको हटा देता हूँ एक बार, जो जो चीज़ें हटाने लायक हैं, ये BHP हो गया, यहाँ वाला क्या हो जाएगा, IHP हो जाएगा, ये जो पावर जनरेट होगा ये BHP हो जाएगा या DHP हो गया, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बिल्कुल। स्क्रीनशॉट लिया है आपने, ऑफ करते हैं क्लास, दो मिनट और चलने दीजिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इसकी प्लानिंग की बात करें या पावर की बात करें तो ये वाला पार्ट हम और डिस्कस कर लेते हैं, बाकी कल हम डिस्कस करेंगे। यहां इसको अगर हम बात करते हैं पावर और इट्स मेजरमेंट, कैसे इसको मेजर किया जाता है, पहले तो पावर क्या होती है हमने डिस्कस किया, अब इसको कैसे मेजर किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये पॉइंट आपको याद रखना है, BHP, IHP, FHP, ये आपको पॉइंट हमेशा याद रखने हैं। बिल्कुल, ये पॉइंट याद रखने वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इस पे चलते हैं, पावर एंड इट्स मेजरमेंट की अगर हम बात करें, पावर क्या होता है, द रेशियो ऑफ डूइंग वर्क, जो वर्क होता है या काम होता है, जो प्रेशर वहां से जनरेट होता है उसको पावर कहा जाता है। अब इसको कैसे मेजर करते हैं, कितना पावर होता है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। 1 HP अगर पावर की हम बात करते हैं, इसको KG में कन्वर्ट किया जाए तो 75 किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड अगर बोला, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कहा जाता है ना, अगर पावर को किसी पे दबाया जा सकता है या पावर दिया जाए, तो 75 किलोग्राम का एक आदमी होगा, वो एक मीटर में जितना उससे जो वेट होगा, वजन होगा, उसको पावर कहा जाता है, ठीक है। ये आप अगर इसको कन्वर्ट करना चाहे पर मिनट में, तो कितना पावर जनरेट करता है, 4500 किलोग्राम पर मीटर, ये पर मिनट में, मिनट में कन्वर्ट करें तो 4500 हो गया, 4500 हो गया। अगर इसको सेकंड में कन्वर्ट करें 75 किलोग्राम हो गया। यहाँ 1 HP इक्वल होता है, 1 HP इक्वल टू, हमने 1 HP इक्वल वॉट में भी कन्वर्ट किया था और किलो वॉट में भी कन्वर्ट किया था। वॉट में करके बताइए वॉट कितना होता है, 1 HP इक्वल टू कितना वॉट होता है, जल्दी जल्दी बताइए, 1 HP इक्वल टू वॉट क्या होता है, वॉट और किलो वॉट दोनों करके बताइए, वो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं 4-स्ट्रोक इंजन की पावर की बात करते हैं, कैसे इसको मेजर करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपको दे दिया जाए तो एक चीज ध्यान रखनी है, 4-स्ट्रोक है इसका मतलब यहां पे multiply 2 आएगा, ये चीज याद रखना। तो याद रखने की अगर बात करें, 4-स्ट्रोक इसका मतलब multiply 2 आएगा, अगर वो 2-स्ट्रोक है तो यह multiply 4500 के साथ में multiply 2 नहीं आता है। 2-स्ट्रोक इंजन में आप देख रहे हैं सेम फॉर्मूला है, प्लान PLAN प्लान लिखा हुआ है, बाकी इसके बारे में डिस्कस करते हैं, याद रखना प्लान है और कुछ नहीं है यहाँ पे। 1 HP अगर फॉर्मूले को कन्वर्ट करते हैं, प्लान है, उसके साथ में N है, N का मतलब भी हम डिस्कस करेंगे, PLAN का मतलब क्या होता है, स्मॉल N का मतलब क्या होता है, 45 हमने डिस्कस किया है या मिनट की हम बात कर रहे हैं। तो अगर 4-स्ट्रोक है तो मल्टीप्लाई में नीचे 2 आएगा, ठीक है, अगर 2-स्ट्रोक है तो नीचे 2 नहीं आएगा। यहाँ बात करते हैं डी ड्रॉप और हॉर्स पावर की, जो बात कर रहे हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका फॉर्मूला ये है, पुल मतलब वजन, कितना वेट उठा सक रहा है वो, स्पीड क्या इसकी स्पीड है, इसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है। बाकी ये स्लाइड का आप वो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लास्ट एक स्लाइड और है इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये पार्ट आपका कंप्लीट होता है। एक स्लाइड का और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये लिया, जल्दी लीजिए जल्दी लीजिए, समझ में आ रहा हो तो प्लीज आप बताइए। हम क्या देखने जा रहे हैं, प्लान का मतलब क्या होता है, प्लान की फुल फॉर्म क्या होती है, जो वर्ड होते हैं उसका फुल फॉर्म क्या होती है, ये देख सकते हैं। पहले तो उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है प्लान का मतलब क्या होता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, समझ में आ रहा है, वेरी गुड वेरी गुड, समझ में आ रहा तो यस कीजिए, इसको शेयर और लाइक भी कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए प्लीज अपने दोस्तों के साथ में, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए आप व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू। हम बात करते हैं प्लान का, प्लान पी मतलब मीन अफेक्टिव प्रेशर, ये प्रेशर जो कितना प्रेशर वहां से जनरेट हो रहा है, पी लेंथ का मतलब होता है स्ट्रोक, जो हमने डिस्कस किया था स्ट्रोक की लेंथ क्या होती है, स्ट्रोक क्या होता है उसकी लेंथ हमने डिस्कस किया, डेप्थ और लेंथ दोनों चीजें,
ए का मतलब एरिया, सिलेंडर का एरिया भी हमने डिस्कस किया। ये चीज़ याद रखना है, ये मीटर में है, लेंथ स्ट्रोक की मीटर में है, और एरिया किसमें सेंटीमीटर में मेजर किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेंथ पूछ लिया जाएगा, सेंटीमीटर में, मीटर में, इंचेज में किसमें मेजर किया जाता है। नंबर ऑफ, अगर कैपिटल स्मॉल अगर वो है, सॉरी कैपिटल अगर एन है, इसका मतलब नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, मतलब घूमना, कितने नंबर में वो घूमता है। और यहाँ पे अगर स्मॉल एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ सिलेंडर, फोर सिलेंडर भी हो सकता है, सिक्स सिलेंडर भी हो सकता है, कितने भी सिलेंडर का हो सकता है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया होगा। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल 746 राइट राइट करेक्ट है, वॉट में आएगा, बिल्कुल राइट है, ठीक है। कल मिलते हैं।